मुरादाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के आयोजित एक कार्यक्रम में मंच पर मौजूद लगभग एक दर्जन पदाधिकारियों ने हाथों में खुली तलवारें लेकर जय श्री राम भारत माता की जय के नारे लगाए। कार्यक्रम के मंच पर जिला महानगर व मंडल के पदाधिकारी भी हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी ने तलवारों को बताया कि यह शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शक्ति का उपयोग समाज के संरक्षण के लिए किया जाता है। इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी में नवनियुक्त पदाधिकारियों का जुलूस भी निकाला गया। कलेश तिवारी की हत्या के मामले में बताया कि योगी सरकार हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दिलवाएगी। हिंदू युवा वाहिनी मंडल प्रभारी ने कहा कि विरोधी दल कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं, हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। सर, आज मुरादाबाद आना हुआ है, क्या पूरा मन? तलवारें भेंट करना कुछ तलवार भेंट एक शक्ति का प्रतीक होता है, और शक्ति का प्रतीक जब आवरण होता है तो सब शक्ति का इस्तेमाल शक्ति का उपयोग किया जाता है, समाज के संरक्षण के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं किसी को डराने के लिए किया जाता है। शक्ति का जब सदुपयोग किया गया है, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम निकल के आते हैं। अखिलेश तिवारी जी की मौत पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? अखिलेश तिवारी जी की मौत पर हम बहुत निंदा कर रहे हैं उसकी, और जो पकड़े गए हैं बाकी उनके सूत्राधार जो भी हैं बहुत जल्दी जब आ जाएंगे, वो उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार उनको दंड देंगे। आपका हिंदू वाणी संगठन जो है उसके लिए क्या मुद्दा उठाएगा? नहीं, उसके लिए मुद्दे वाली बहुत सब सत्य की ये कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की बात है, लेकिन हिंदू वाहिनी का कार्यकर्ता या हिंदुत्व के काम करने वाला कोई कार्यकर्ता को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये विपक्षी लोग जो हैं, ये धर्म विरोधी लोग जो हैं, ये कहीं ना कहीं उकसाने का काम कर रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसे काम नहीं होने चाहिए, और कोई भी ना तो उकसाए में आएगा कोई गलत काम करेगा, और दूसरा हतोत्साहित भी नहीं होगा, उन कामों हतोत्साहित होने की आवश्यकता है ही नहीं। किसी भी कार्यकर्ता से सभी कार्यकर्ताओं से अपील करूँगा कि कोई बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। अच्छा, उसमें वो किसी का भी नाम आ रहा हो, वो तो जांच चल रही है, 6-7 के साथ आदमी पकड़े भी गए हैं, जो भी दोषी होगा उसको कठोर दंड की हम मांग करते हैं दिया जाए। मैं श्री राम राई शुनट त्रावड़ी विली चौपड़ी से रविंदर कुमार, मेरी तरफ से सभी त्रावड़ी वासियों और वह हरियाणा वासियों को मेरी तरफ से शुभ दीपावली, धनतेरस, भैया दूज की शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेश वासियों व शहर वासियों को श्री गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। एक बार पुनः श्री राम राई शुनट त्रावड़ी की ओर से फिर से शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट गांव चौपड़ी त्रावड़ी की ओर से सभी प्रदेश वासियों को धनतेरस, शुभ दीपावली तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम राइस यूनिट त्रावड़ी महालक्ष्मी से कामना करता है कि आपका परिवार सदैव खुशहाल रहे और धन धान्य से भरपूर रहे। सभी प्रदेश वासियों तथा त्रावड़ी नगर के निवासियों को एक बार फिर से श्री राम ग्रुप की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। तरावड़ी के मशहूर बासमती चावल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड की खुशबू बना दे आपको दीवाना। इस दिवाली अपनी रसोई में लाएं गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड चावल, जो दे आपको खुशी और सेहत का खजाना। असली बासमती केवल गॉड गिफ्ट 1121 ब्रांड। चेयरमैन लाला साधुराम सिंगला, MD रविंदर सिंगला, निदेशक विजय सिंगला, भारत विकास परिषद त्रावड़ी के प्रधान संजय सिंगला, एक्सपोर्ट मैनेजर महेश सिंगला तथा एडवोकेट राकेश सिंगला आपको दीपावली की बधाई दे रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।